हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसी के कुछ टॉपिक्स आपका है ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये पार्ट सेकेंड है। अगर जब पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके पार्ट फर्स्ट को देख लीजिएगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। पार्ट वन को आप लोग देख के आराम से पूरी कॉन्सेप्ट, यानी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद पार्ट सेकेंड को देखिएगा। तो पार्ट सेकेंड में थोड़े से हम रिकैप में आते हैं पार्ट फर्स्ट वाले में। पार्ट फर्स्ट वाले में कुछ आइडेंटिटीज़ के कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने बताए थे। क्या था आपका फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये सब फॉर्मूला का चार चार था। इसके बाद था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट था आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये सारी जो तीन फॉर्मूले हैं, इस सब का चार चार फॉर्मूला था, पूरे मिला के कितना होता था आपका 12 फॉर्मूला होता है। ये बहुत आसानी पूर्वक आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये सब फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट था आपका टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर आपका नेक्स्ट था कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतनी फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस किए थे और कुछ और फॉर्मूला था उसको हम लोग आराम से डिस्कस किए थे। कुछ फॉर्मूला आपको छूट गया था, उसको हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो छूट गया था उसको देख लेते हैं। जैसे उसको देखने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। यानी कोई भी संख्या है आपको, जैसे थ्री है, इसको कहेगा गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने के लिए। गुणात्मक प्रतिलोम यानी एक बटा तीन, इसको हम लोग गुणा करते थे कितना आता है, वन आता है। तो उसी प्रकार ये आपका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला उसी प्रकार से आपका, जैसे कि आपका हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन, जो हमने अभी कंसेप्ट बताया था, थ्री इंटू वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन। क्योंकि ये तो इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, एडिटिव, सॉरी ये हाँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, इन्वर्स है। इस प्रकार से लिखेंगे। तो अगर जिसमें से हमारा साइन थीटा लिखना हो तो वन बटा क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। अगर जैसे कोसेक थीटा लिखना हो तो वन बटा साइन थीटा। नेक्स्ट था आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। तो टेन थीटा अगर जो इसमें से निकालना हो क्या होगा, वन बटा कॉट थीटा। अगर जो कॉट थीटा निकालना हो तो वन बटा टेन थीटा। नेक्स्ट आपका है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन। अगर जो कॉस थीटा निकालना है तो वन बटा सेक थीटा, और सेक थीटा है तो वन बटा कॉस थीटा। ये आपको जो फॉर्मूला आपके प्रूफ करने में ज़्यादा कमाएंगे, यानी साइन थीटा की जगह पर वन बटा कोसेक थीटा रख सकते हैं, चाहे वन बटा कोसेक थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर जो कोसेक थीटा को वन बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, चाहे वन बटा साइन थीटा को हम लोग कोसेक थीटा लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर जो टेन थीटा है तो टेन थीटा को वन बटा कोट थीटा लिखिए, या कोट थीटा को वन बटा टेन थीटा लिखिए। ये सवाल की फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वो जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें आपके पूरी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे अच्छी तरह से। तो कुछ इसमें दो तीन और फॉर्मूला है जिसको देखने की, जो आपका फॉर्मूला है अलजेब्रा का है, अलजेब्रा का है, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो अलजेब्रा के टाइप में एक दो क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले अलजेब्रा का उस फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला आपका इस प्रकार है। ये दो ही फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक बनाने के लिए। तो आप क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए इंटू ए प्लस बी। ये जो आपका फॉर्मूला है आप लोग क्लास एट्थ नाइन्थ में पढ़े हुईगा। अगर से नहीं पढ़े तो क्लास एट और नाइन्थ का अगर जब बुक हो तो उसमें से आप अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे मेरा एक दूसरा वीडियो हो उसको आप लोग देख कर आराम से इस फॉर्मूला को आप लोग आराम से याद कर पाइएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं, इस वाला जो फॉर्मूला है सेकेंड वाला, इस वाला से क्वेश्चन आपको ज़्यादा रहते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, चाहे आपका जो फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कैसा रहेगा आपका। जैसे कि आपको ए क्यू प्लस वन बटा ए क्यू रहेगा, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला रहेगा। किसे है तो आप लोग कैसे निकलेंगे, सेम इसी प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस वन बाई ए का होल क्यू माइनस ए इंटू वन बाई ए इंटू ए प्लस वन बाई ए। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बाई वन बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए का होल क्यू पूरा का होल क्यू माइनस, ये तो कट गया, ए हो गया, यानी ए थ्री इंटू ए प्लस वन बाई ए।
यानी ये ऐसा आपका फॉर्मूला रहेगा, चाहे क्वेश्चंस में इस प्रकार से रहेंगे, एक्स का वैल्यू रहेगा या ए का रहेगा, सेम आपका जो अल्जेब्रा का क्वेश्चंस आपको ट्रिगन में, सॉरी ये इंट्रेंस एग्जाम पढ़ लेके इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही, तो उसमें अल्जेब्रा वाला में होगा, तो इस वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाला फॉर्मूला पर कुछ आपके ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, चाहे एग्जाम में जो पूछता है इस फॉर्मूला पर आपको, इस फॉर्मूला बेसिस पर आपको क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो इस प्रकार इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन एक ट्रिगोनोमेट्रिकल टाइप में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एलजेब्रा टाइप में तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नहीं, यानी जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल टाइप में देखेंगे, ठीक है। अगर से इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे, यानी कुछ आपको ए बराबर दिया रहेगा, ए बराबर मानते हैं कुछ दिया रहेगा, तो उसको हम लोग वन बाई ए भी लेना पड़ेगा इस वाला फॉर्मूला को लाने के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि क्या है क्वेश्चन, यदि टेन ए बराबर एक्स बटा वाई हो तो कॉस ए का मान निकालना है आपको। तो आप लोग जैसे बने बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, तो आप लोग सीधे देख लीजिए, पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, क्या है टेन ए बराबर आपको दिया है एक्स बटा वाई। तो ऐसा जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए एक थोड़ी सी आपको फिगर बनानी पड़ेगा, फिगर बना लीजिएगा पूरी एकदम जल्दी में बन जाएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल को बना लीजिए, यानी समकोण त्रिभुज बना लीजिए, टेन ए यानी ए वाला खड़ा है, तो क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो ये इसका लंब हो गया, तो लंब एक्स और आधार कितना है वाई है। तो कर्ण निकालिएगा तो क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये आपका निकल गया, इसमें आपको हो गया, सीधे आपको निकालना है क्या, कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए इससे यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यानी आपको अगर ये लंब और कर्ण अगर जो निकालते तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा जाता, और यहाँ पे फिगर बना के बनाइएगा तो थोड़ा सा एकदम आसान शॉर्ट में बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपका यदि कॉस से बराबर छः बटा दस हो तो टेन ए का मान निकाले। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर साठ बटा इकसठ हो तो कॉस ए का मान निकाले। फिर थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो कोस थीटा का मान निकाले। ये जो तीन क्वेश्चन है इसको आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसका आंसर अगर सही होगा उसको हम लोग रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है आपका यदि कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू आपका ए हो तो साइन एक्स का मान निकालना है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो आपको दो चीज़ को ध्यान देने हैं, क्या है आपको देखना है कि ये जो फॉर्मूला में है कि नहीं, यानी कॉस एक्स माई प्लस कॉट एक्स बराबर ए है, तो आपको ये देखना है कि इस दोनों में रिलेशन क्या है, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर ए यानी वन का रिलेशन है, यही ना, ये प्लस है तो इसको उल्टा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो शॉर्ट में समझिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे शॉर्ट में एकदम, क्या आपको जो दिया गया है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू ए, इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको करना क्या है, इसमें क्या करना है वन बटा ए लेना है, वन बटा ए लेना है, तो यहाँ पे जो साइन रहेगा प्लस रहेगा माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, सब चीज़ वही लिखना है, कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक। अब ये इस दोनों को जोड़िएगा तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाता है सीधे टू कॉसेक एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए। इसको आप लोग एलसीएम कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सॉरी ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए, ये हो जाएगा टू कॉसेक एक्स, तो इसमें से कॉसेक एक्स को निकालेंगे हम लोग तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए, ये वाला इधर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमको निकालना है साइन, तो ये आप लोग जानते हैं कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू वन बटा साइन एक्स है, जो फॉर्मूला हम लोग बताए थे उसमें देखें, तो सीधे हम लोग साइन एक्स लिखते हैं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा टू ए बाई ए स्क्वायर प्लस वन, इस प्रकार से आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस पर हम एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आप लोग बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट देंगे उस पर हम एक दो क्वेश्चन आपको देंगे जो आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम लोग रिप्ले मारेंगे, उसको हम रिप्ले करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है यदि सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू ए हो तो कॉसेक्स और साइन एक्स, इसमें हम दोनों का मान दे दिए हैं, कॉसेक्स का भी मान निकालिए और साइन एक्स का भी मान निकालिए, दोनों का मान दे दिए, दोनों का मान निकालना है आपको, और कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करना कितना आंसर इसका है, ठीक।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो क्या निकालना है आपको? 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा का मान आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला तरीका को हम लोग देख लेते हैं, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 है तो 10 थीटा इज इक्वल टू 5/4 हो गया। फर्स्ट वाला जो आपका पहले ट्रेडिशनल को हम लोग देख लेते हैं, तो ट्रेडिशनल में आपको कैसे निकालना होगा? अगर से यहाँ पे देखिए, ट्रेडिशनल में हम लोग देखते हैं यही ए बी सी, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये वाला एंगल थीटा है, यानी लंब बटे आधार, लंब आधार। और इसको निकालिएगा तो इस दोनों का स्क्वायर का सम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 5 11 41 होगा, अंडर रूट में 41 होगा। तो आगे तो फर्स्ट वाला से हम लोग देखते हैं कैसे होगा। क्या है आपका? 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। तो इसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्या है? 2 into sin थीटा लंब बटे कर्ण 5/√41 प्लस फिर हो जाएगा 2 into cos थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक उसी प्रकार सेम नीचे वाला में कॉस है तो आधार बटे कर्ण 4/√41 माइनस है 3 × 5/√41। तो हम लोग करते हैं कि ऊपर वाला में से पहले गुना कर लेते हैं, चाहे एक ही साथ गुना करने के साथ साथ दोनों कॉमन ले लेते हैं। 1/√41 ऊपर वाला में से कॉमन लीजिए, इसमें से भी 1/√41 कॉमन लेते हैं। तो 1/√41 को कॉमन लेते हैं तो 5 × 10 प्लस 4 × 8, फिर इस वाला में से 1/√41 को हम लोग कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा? 24 − 15, ये तो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 10 8 18 और 24 में से 15 गया तो 9 काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। तो शॉर्टकट मेथड हम लोग कैसे देखते हैं, देखते हैं पहले शॉर्टकट मेथड। तो आपका शॉर्टकट मेथड में उसको शॉर्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है? तो पहले इसमें से हम लोग 10 थीटा को निकाल लेते हैं। 10 थीटा 5/4 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग, क्या 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा है, ये आपका है। तो इससे हमको करना है कि हमको तो 10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये सब को हमको 10 में एक्सचेंज करना है। तो 10 में कब आएगा? साइन है ऊपर, साइन थीटा है, तो 10 में कब आएगा? जब हम इसको हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, कॉस थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा अगर जो कॉस थीटा ऊपर वाला में से कॉमन लीजिएगा तो 2 sin थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 2, फिर नीचे में से कॉस थीटा को कॉमन लीजिएगा हो जाएगा 6 − 3 sin थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस तो आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 sin/cos 10 थीटा प्लस 2 अपॉन 6 − 3 × sin थीटा बटे कॉस थीटा 10 थीटा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 2 tan थीटा 2 into tan थीटा का वैल्यू 5/4 प्लस 2 6 − 3 × 10 थीटा का वैल्यू 5/4, इसको हम लोग काट लेंगे 2 से, ऊपर हो जाएगा 5/2 प्लस 2 6 − 5 = 15/4 हो जाएगा। इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेते, तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/2 सीधे शॉर्ट में कर लेते 24 − 15/4, तो 9/2 ये हो जाएगा आपका कितना? 9/4, ऐसे ही कट गया
तो 4/2 कटेगा तो 2, यानी 2 आपको आंसर। ये शॉर्टकट है, आप लोग क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे जल्दी बनेंगे। ये जो कुछ क्वेश्चन है आपको बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम लाइक करेंगे या रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या है, यदि टेन ए बराबर 60/11 हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, अनरूट 1+cos θ अपॉन 1-cos θ हो तो सरलता मान इसको, यानी इसको आप लोग रेशनलाइज यानी प्रमेयकरण करके इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, x+1/x = 2cos θ, तब x³+1/x³ का वैल्यू निकालना है। इस प्रकार का हम लोग फॉर्मूला को डिराइव किए थे पीछे कुछ समय पहले, हम लोग इसके फॉर्मूला था उसको हम लोग डिराइव किए थे, उसको बताए थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको उसी प्रकार से बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, यदि sec θ, यदि आपका क्या है, sec θ + tan θ = p हो तो sin θ का मान ज्ञात कीजिए, ये इसका sin θ का मान निकालना है। ये क्वेश्चन हम पहले आपको दिए थे बनाने के लिए, इस प्रकार था आपको क्वेश्चन, sec x + tan x = आपका a था, तो उसमें साइन और कोस हम दोनों दिए थे निकालने के लिए, तो सेम आपका उसी प्रकार से सिर्फ आपका थीटा है और इसका वैल्यू चेंज है p है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, 2020 के जितने पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें जो हमारे स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को सारी क्वेश्चन हम लोग को दिए हैं, जितना हम लोग हम क्वेश्चन दिए हैं सभी को बना जितना हम क्वेश्चन दिए सभी को बनाकर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर दीजिएगा, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम रिप्ले करेंगे। और अगर जब आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।